हमको मालूम कैसा था ये? ये मैन मेरी लाइफ को हेल्प कर दिया। आप लोग जो इसको रोने के वास्ते आया ना, सच्चाई मालूम चलेगी तो गाली देगा इसको। आप लोग अंदर ही अंदर मेरे पे हंसता ना, जब इसकी पोल खुलेगी ना तो तुम लोग हंसेगा इस पे। ये डैनी की वाइफ को क्या हो गया? टीना, डैनी मर चुका है, प्लीज यहाँ कोई तमाशा खड़ा मत करो। तमाशा? तमाशा ये बनाया मेरी जिंदगी का, पता चलना चाहिए लोगों को। तुम्हें मालूम डैनी का उसकी सेक्रेटरी के साथ लफड़ा चल रहा था। स्टार्टिंग से ही कैरेक्टरलेस था ये आदमी। लेकिन ये टाइम नहीं है इन सब बातों के लिए, सो प्लीज चुप हो जाओ। आई विल नॉट। पता चलना चाहिए सोसाइटी को, इन लोगों को पता चलना चाहिए इसकी असलियत का। आज मैं इसकी सारी पोल खोलेगी। ओह गॉड, ये मैन अपनी मेड के साथ भी। छी! ये क्या हो रहा है? लाश तो जिंदा हो रही है। इसे जिंदा होने को मांगता। ये काला काला क्या है? उसकी बॉडी से निकल रहा है, शायद इसे जहर दिया गया है। पॉइज़न? कौन दिया पॉइज़न? डैनी को? वही होगी, ये वही कर सकती है। यस? तेरे बॉस की बॉडी में से कुछ काला काला निकल रहा है और उसकी वाइफ लोगों को चिल्ला के कह रही है कि तूने उसे पॉइज़न देके मारा है। बहुत बुरी तरह फंसेगी तू। मरते मरते भी धोखा दे गया। कौन? बॉस? और कौन? तू जल्दी निकल यहाँ से। यार इतने दिनों के बाद मिले हम लोग आज, और प्यार की तो बातें भी नहीं की हमने। प्यार को डाल फ्रिज में, पुलिस आने वाली है, मेरे साथ तू भी जाएगा। बॉस जहर से मर गया, जल्दी निकल। मैन बिल कौन देगा? मैं ही दूंगी, और कौन देगा? जाओ ले गया। अरे अरे कहाँ भाग रहे भाई? आप कौन? सीआईडी। लड़की अंदर है। तू कहाँ जा रहा है? पकड़ो उसे। वो लड़की कहाँ जो इस आदमी के साथ थी? अंदर गई सर। अंदर। हटो। हटो यहाँ से। मेरे को घुमा रहा था एक लड़के, बोल रहा था कि बीवी को नहीं छोड़ेगा, बीवी को नहीं छोड़ेगा तो मैं कौन? तेरी माँ? सुना सर आपने, इसकी और इसके बॉस का चक्कर चल रहा था सर, इसने मुझे अभी भी घास डाली है सर। आज तुझे हम खिलाएंगे, पहले ये बता डैनी को जहर किसने दिया? हमें जहर किसी शीश के पैक से मिली है, और किसको मारने का इरादा था? सर मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ सर, और शादीशुदा हूँ। एक शादीशुदा आदमी कॉफिन में लेटा है, उसके सीने से काला खून निकला था। परसों मिली थी ना तुम उसे? पर मैंने उसे जहर नहीं दिया। जहर देने वाली थी। मैंने उसकी बियर में जहर मिलाया था, लेकिन फिर उसको कॉल आ गया और वो भाग गया। झूठ बोल रही हो तुम। मैं सच कह रही हूँ, मेरे वाले जहर से काला खून नहीं निकलता। शीला ठीक कह रही थी अभिजीत, इसे कुछ और ही किस्म का जहर दिया गया है। कौन सा जहर है सालों से? यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? घोड़े पर सवार रहते हो हमेशा, लाश लैब में आई और बस तुमको सारे जवाब चाहिए एक मिनट में। ओके। अरे यार बता। ये जहर ना ही किसी इंजेक्शन से दिया गया है और ना ही किसी खाने पीने की चीज से। तो फिर वही पता करना है बस। और हाँ ये देखो इसके सूचस, ये टांके देखो, मुझे लगता है कोई अनाड़ी है, डॉक्टर नहीं है। मैं इसकी चेस्ट ओपन करके देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। रेडी?
उस डॉक्टर को बुला जिसने इसका पोस्टमार्टम किया है। यस सर। इसके अंदर कुछ है। माय गॉड, ये तो गले का हार है। ये हार इसकी छाती में कैसे है? अभी कुछ और नहीं है बस, ये देखो। इसकी छाती है या तिजोरी? ये सारे गहने इसकी छाती में आए कहां से? My God, बॉस बाहर हो जाओ, यहां पर रेडिएशन है इसकी वजह से। निकलो निकलो, चलो। बॉस, अंगूठी में पोलोनियम के ट्रेसेस मिले। पोलोनियम तो न्यूक्लियर बम बनाने के काम में आता है। इसका रेडिएशन बहुत तेज होता है, इतना तेज कि अगर इस पोलोनियम को जमीन के अंदर गाड़ भी दिया जाए तो आने वाले 100 बरस तक इसका रेडिएशन खत्म नहीं होता। अगर किसी भी तरीके से ये इंसान के संपर्क में आता है तो उस इंसान का सारा इम्यून सिस्टम एकदम खत्म हो जाता है। इसके रेडिएशन की वजह से पूरी की पूरी बॉडी एकदम काली पड़ जाती है। इंसान को शुरू शुरू में सर्दी, जुकाम, बुखार होने लगता है, उल्टी आने लगती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। सर, आज सुबह फ्यूनरल होम में डैनी का हाथ हिलने लगा था, तो क्या वो इस पोलोनियम की वजह से हुआ था? हाँ पोल, इसी की वजह से। इसके रेडिएशन की वजह से उसके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स फूलने लगे, इसी वजह से उसके शरीर का प्रेशर बढ़ने लगा। वो प्रेशर इतना बढ़ा कि छाती पर हाथ रखे हुए थे वो भी हिलने लगे और फिर प्रेशर की वजह से उसका सीना फट गया। उसका प्रेशर रिलीज हुआ और उसके हाथ हिलना भी बंद हो गए। डॉक्टर साहब, आपने डैनी का पोस्टमार्टम किया था तो आपको ये गहने और अंगूठी पहले नहीं दिखे? जब था ही नहीं तो मिलता कैसे? डैनी की मौत तो नेचुरल डेथ थी। कल शाम 7 बजे मैंने बॉडी का पोस्टमार्टम किया था और उसे फ्यूनरल होम भेज दिया था। और एक बात, उसका शरीर तब तक काला नहीं पड़ा था। इसका एक ही मतलब है कि अगर 7 बजे तक डैनी का शरीर नॉर्मल था और उसके शरीर के अंदर कुछ भी नहीं था तो सारी गड़बड़ उस फ्यूनरल होम में ही है। ये क्या कह रहे हैं आप? पिछले 15 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं, आज तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। बॉडी के साथ छेड़छाड़ सही नहीं साहब। आपने नहीं किया होगा लेकिन आपके यहाँ काम करने वाले किसी एम्प्लॉय ने लाश के साथ छेड़खानी की है। ये सामान जरा ध्यान से देखिए आप सब, ये हमें डैनी के बॉडी के अंदर से मिला है। किसी ने टाके खोल के डैनी के बॉडी में रखे थे और इसके साथ हमें एक अंगूठी भी मिली है जिसमें जहर भरा था और वो अंगूठी इसी जगह पर डैनी के बॉडी में रखी गई थी। पता नहीं साहब, डैनी के बॉडी में ये सब कैसे आए हमें नहीं पता सर। हम सच बोल रहे हैं साहब। कोई तो है तुम में से जो झूठ बोल रहा है? हमने कुछ नहीं किया। हाँ साहब। ये डैनी की बॉडी यहाँ पे कब आई थी? साहब रात को 8 बजे। और बॉडी को तैयार किसने किया था? ड्रेसिंग किसने की? सर मैंने। लेकिन सर उस वक्त बॉडी ठीक थी और उसके टाके भी ठीक ठाक थे सर। नाइट ड्यूटी पे कौन होता है यहाँ पे? साहब रात को 10 बजे तक सब चले जाते हैं। तो सुबह जब वापस आए तब बॉडी ठीक ठाक थी? जी साहब, जैसे रात में छोड़ के गए थे सुबह में वैसी ही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? रात में बॉडी वैसी की वैसी थी, कोई आया नहीं, तो ये सारा सामान बॉडी के अंदर अपने आप पहुंच गया क्या? कोई तो आया था यहाँ पे। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत कुछ खराब लग रही है। सब बुखार है और थोड़ी खांसी भी। सर हो सकता है वो पोलोनियम इसने छुआ हो और उसी की रेडिएशन की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई हो। हाथ दिखाना जरा अपना। हाथ दिखाओ।
उनके अलावा कोई और भी है जो यहाँ काम करते हैं? जी साहब, विक्रम है, आजकल वो छुट्टी पे। अच्छा, उसके घर का एड्रेस देना। विक्रम दरवाजा खोलो। विक्रम, 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 क्या हुआ? हाँ, विक्रम, विक्रम, ओह नो, रेडी, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, इसकी जान खतरे में है। विक्रम, ओह नो, अभिजीत, हाँ, ये देखो, इसके कान में से काला खून निकल रहा है, लगता है पोलोनियम का असर हुआ है इस पर। ये उंगली जली हुई है। तो मतलब डैनी की बॉडी में इसी ने अंगूठी डाली थी फ्यूनरल होम में? हाँ, तो पता नहीं होगा कि इसमें पोलोनियम है, ये तो इतनी लापरवाही नहीं करता। इसका बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये बता सकता है कि इसे वो अंगूठी कहाँ से मिली और इसने डैनी के बॉडी के अंदर रखा क्यों उसे? विक्रम सर, 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 ये विक्रम का फोन सर, बार बार लैंडलाइन से फोन आ रहा है सर। मैंने कॉल लिस्ट में चेक किया सर, कल रात में भी ये लैंडलाइन से बात हुई थी उसकी। बार बार फोन आ रहा है? होना हो, इस नंबर का अंगूठी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। पंकज, पता करो ये नंबर कहाँ का है। सर, जिस फोन से कॉल की गई थी वो फोर्थ फ्लोर के कॉरिडोर में लगा हुआ है। आपके होटल के गेस्ट तो कमरे का फोन इस्तेमाल करते होंगे, ये कॉरिडोर में जो फोन है उसे कौन कौन यूज करता है? सर, होटल के स्टाफ मेंबर्स कॉल करते हैं और कभी कभी गेस्ट भी कॉल कर लेते हैं। कितने स्टाफ है ऊपर? 3 हाउसकीपिंग स्टाफ। अभिजीत, ये वही फोन है जिससे बार बार विक्रम को फोन किया जा रहा था। वेट करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में फोन कर रहे हैं तो फोन करने तो आएगा ही। नहीं करना है क्या? ज्यादा जरूरी फोन नहीं था क्या? क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? हम सीआईडी से हैं, इसे पहचानती हैं? नहीं तो चलिए, तो विक्रम को पहचानने से इनकार कर ले, शायद ये देखकर इसे कुछ याद आ जाए। ये ऐसा नहीं बताएगा। एक काम करो, विक्रम को ऊपर लेकर आओ, इसके सामने बैठ के वो खुद बताएगा किसने हार चुराने के लिए कैसे उसे मजबूर किया था। मैंने मजबूर किया? वो चोरी की प्लानिंग खुद करता है और नाम मेरा ले रहा है। सर, आप अभी इसे अभी बुलाइए, मैं अगर उसका मुंह ना तोड़ दूं ना तो आप कहना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, विक्रम हॉस्पिटल में, वो हमें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तुम काफी कुछ बता सकती हो। क्या चल रहा है ये सब है? सर, विक्रम मेरा बॉयफ्रेंड है और हमने होटल के रूम से जेवर और पैसे चोरी करने का प्लान बनाया था। मैं हाउसकीपिंग में हूँ इसलिए मुझे सब पता होता है कि कौन से गेस्ट के पास कितना माल है। अच्छा, अब विक्रम, विक्रम यहाँ कैसे आया? सर, वो वेटर बनकर आया था और उसने अलग अलग रूम से चोरी की और फिर वो चला गया। फिर कल रात विक्रम का फोन आया, उसने मुझे बताया कि पुलिस उसके पीछे पड़ी थी इसलिए उसे वो चोरी का माल कहीं छुपा दिया। तुम्हें पता है उसने चोरी का माल कहाँ पे छुपाया? नहीं सर, आप मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। आज सुबह से उसका कोई कॉल नहीं आया और मैंने भी उसे बहुत फोन करने की कोशिश करी लेकिन उससे बिल्कुल बात नहीं हो पाई। विक्रम को चोरी का माल कहीं ना कहीं तो छुपाना ही था, इसीलिए उसने उस फ्यूनरल हाउस में जाके डैनी के डेड बॉडी के अंदर
वो सामान छिपा दिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और बाद में आराम से लाश के अंदर से वो सामान निकाल लेगा। और चोरी के माल में विक्रम के हाथ लगी एक अंगूठी जिसमें पोलोनियम लगा हुआ था, इसके रेडिएशन का शिकार विक्रम खुद भी हो गया। ये अंगूठी तुम लोगों ने कहां से चुराई? रूम नंबर 403। रेडी पंकज, इसको कस्टडी में लो, हम लोग देखते हैं 403। अच्छा आप लोग आ गए, मैं कब से मदद के लिए आवाज दे रही थी। प्लीज आइए, देखिए क्या हो गया मेरे हस्बैंड को। प्लीज आइए देखिए। क्या हुआ? एक मिनट, एक मिनट। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। अच्छा हुआ इन्होंने मुझे बुला लिया, पता नहीं आज क्या हो जाता। आकाश, आकाश, मैं यही हूँ आकाश, बोलो। टैंगो, टैंगो, टैंगो। ये टैंगो क्या है? सर, मुझे नहीं पता टैंगो क्या है। ये भी रेडिएशन का शिकार हो गया, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, जान को खतरा है। संभाल के, आराम से, आराम से। मैं जा रहा हूँ। या पूर्वी, तुम भी डॉक्टर साहब के साथ जाओ, जैसे ही होश में आए हमें इन्फॉर्म करना, जल्दी सर। और आप, इस आकाश की पूरी डिटेल चाहिए हमें, उसका फोन नंबर, एड्रेस, फोटो आईडी, सब कुछ। एम्बुलेंस यहाँ क्यों रुक गई? एक मिनट देखते। My God, ये तो बेहोश हो गया। यहाँ पर भी दोनों वार्ड में बेहोश है। What? ये देखो पूर्वी, इनके चेहरे पर कुछ डाला गया है, जल गए यहाँ से, और इसीलिए दोनों बेहोश हो गए। और ये आकाश, इसके तो हार्ट बीट बंद है पूर्वी। My God, ये तो मर गया है पूर्वी। कैसे मरा ये? ये देखो, गला दबा के मारा गया है। देखो सर, मतलब ये सब साक्षी ने किया? बिल्कुल। मतलब आकाश ऐसा कुछ जानता था जो साक्षी नहीं चाहते थे कि वो हमें पता है। बिल्कुल। मैं सर को कॉल करती हूँ। आकाश का फोन उसकी पत्नी ने किया? एक काम करो, आकाश के घर चलते हैं, वहीं पता चलेगा कि पति पत्नी के बीच में क्या चक्कर था। और अभी आकाश की मौत के बारे में किसी को बताना मत। हमें केस की छानबीन कर रहे हैं जिसका संबंध आकाश से है। इसी सिलसिले में आकाश की पत्नी से बातचीत करनी है जरा। साक्षी भाभी तो घर पर नहीं है, वो बाहर गई हुई है। अब जरा फोन करके बुलाइए, अर्जेंट है। आप में से कोई इस अंगूठी को पहचानता है? ये तो आकाश भैया की अंगूठी है, अभी पिछले हफ्ते ही दीदी ने आकाश भैया के बर्थडे पे गिफ्ट किया था। अच्छा, इस अंगूठी में जहर था, पोलोनियम, एक खतरनाक जहर। जहर? अंगूठी में जहर कहाँ से आया? अंगूठी आपने दी थी, आप बताइए जहर कहाँ से आया? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि अंगूठी में जहर कहाँ से आया, और आप लोग मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं? देखिए, अंगूठी घर में ही थी, किसी ने डाला होगा जहर। अरे दीदी, आप कहना क्या चाहती? अंगूठी में जहर था,
मतलब आकाश भैया तो ठीक है ना, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? साक्षी भाभी, ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आप आकाश की पत्नी हैं? हाँ भाभी, ये लोग कह रहे हैं आकाश भैया की अंगूठी में जहर था। जहर? हाँ, और भैया यही पास के किसी होटल में रुके थे। नहीं सर, आकाश ने तो मुझे कहा था कि वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए पुणे जा रहा है। आप इसे पहचानती हैं? ये तो रूबी है, आकाश की सेक्रेटरी। पर ये आकाश के साथ होटल में क्या कर रही थी? रूबी? आकाश के फोन रिकॉर्ड से रूबी की कॉल डिटेल्स निकालते हैं, पता चल जाएगा कहाँ छुप के बैठी है। सर, रूबी का मोबाइल इसी बिल्डिंग में, रूबी भी यही होगी। सर यहाँ पर तो काफी सारे फ्लैट्स हैं, उसे ढूंढेंगे कहाँ? कोई बात नहीं, एक ही फ्लैट चेक करते हैं। सर सर सर, फोन यही कहीं है। सर, ये रूबी का फोन। सर, कूड़ेदान के अंदर फोन? उसको मालूम है सीआईडी पीछे पड़ी है, फोन फेंक के भाग गई। चलो यहां तक तो आइए, वो अंदर चल के देखते हैं। फोन? आगे खून नहीं है, खून यहीं तक है। इसका मतलब जो कुछ हुआ इस फ्लोर पे ही हुआ है। जबरदस्त हाथापाई हुई है। अभिजीत, हाँ? लगता है ड्रग्स का चक्कर है। सर, किसी के पैर दिख रहे हैं। गोली मारी है, रूबी नहीं मारा होगा। है कौन ये? मर गया क्या? रुक जा, पकड़ लो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, वो मुझे मार डालेगी। तो कौन?
कौन मार डाले? मैंने कहा ना, मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता। देखो, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसे मार के क्या फायदा? फायदा नुकसान की बात नहीं। चुपचाप पीछे हट। सच बोल रहा हूँ, गोली मार दूंगा, खोपड़ी खोल दूंगा। दया, क्या हुआ? गोली छूके निकली। कहाँ है वो लड़की? रूबी कहाँ है? वो साहब, वो मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में लेके गई थी साहब। वो कोई चोरी की हुई ड्रग्स के बारे में पूछ रही थी साहब। साहब मेरा कोई हाथ नहीं इसमें साहब, कोई हाथ नहीं मेरा। तेरा हाथ नहीं है? वहां तो लाश पड़ी है कमरे में, किसने मारा उसको? साहब वो उससे कोई बॉस का नाम पूछ रही थी साहब। उस आदमी ने उसका ऋषि नाम बताया था साहब। उस औरत ने उसको गोली मार दी साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये ऋषि कौन हो सकता है? और वो रूबी, तुझे यहाँ किस गाड़ी में लेके? लाल रंग साहब, उसका नंबर है साहब XY06T3050। रूबी की कार यहाँ पे है, वो अंदर ही होनी चाहिए। सर, दीपा अंदर रवि है। रवि, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रवि का पीछा करते आई हूँ, मुझे शक है कि सर बकरा मिल गया। देखो मुझे जाने दो, वरना मैं तुम सबको भून डालूंगा। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। सर हाँ, मैं ड्रग्स का धंधा करता हूँ, लेकिन किसी ने मेरे 50 करोड़ का माल चुरा लिया था, और मुझे आकाश पे शक था, इसलिए मैंने रूबी से कहा कि उस बारे में पता कर। मैंने होटल में आकाश का फोन चुरा लिया था, और उसी फोन के जरिए मुझे पता चला कि आकाश अगली ड्रग डीलिंग किसके साथ करने वाला था। ड्रग? ये ड्रग तो नकली है, एल्कम पाउडर आई है। मैं बर्बाद हो गया सर, मैं बर्बाद हो गया। ये आकाश के पार्टनर का काम है। कौन ये पार्टनर? उसी पार्टनर के बारे में पता करने के लिए मैं उस दिन आकाश के होटल रूम में गई थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि आकाश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वैसे ये टैंगो, टैंगो कौन है? टैंगो, टैंगो कोई आदमी नहीं है, बल्कि इसी ड्रग को टैंगो कहते हैं। सर, उस दिन आप लोगों के होटल रूम में आने से पहले आकाश कुछ बड़बड़ा रहा था। क्या?
क्या बोल रहा था? सर कुछ स्काई नाम ले रहा था वो। स्काई डांस? वहां होटल में स्काई डांस होने वाला है, चलो हम लोग भी थोड़ा डांस कर लेते हैं। पिंक वाली किसी ढूंढ रही है? मेरे साथ डांस कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, मुझे डांस नहीं आता। चलिए ना प्लीज। अरे क्या करें, चलिए ना, कम ऑन। एक मिनट, मैं आप कंटिन्यू करो, मैं अभी आता हूं। चिड़िया बहुत जल्दी में निकली है। हाँ, आप आकाश की पत्नी हैं? हाँ। मैम, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? एक्चुअली वो जैकी के रूम में मेरा कुछ सामान रह गया था, बस उसे लेने आई हूँ। ओ, तो मिस्टर जैकी आपके दोस्त हैं? हाँ। लेकिन मैम, मिस्टर जैकी ने तो किसी को भी अपने रूम में आने से मना किया। मैंने आपको कहा ना कि उसके रूम में मेरा जैकेट रह गया है, बस उसे लेने आई हूँ, दैट्स इट। आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे जैकी से बात करनी पड़ेगी, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट टॉक। आकाश के पार्टनर हो, तुमने खून किया उसका? नहीं सर, मैंने आकाश का खून नहीं किया, मैं तो बस यहाँ पैसे लेने आई थी। वो दो दिन पहले मुझे आकाश के जेब से एक पेपर मिला, उसमें इस पार्टी के बारे में लिखा था और उसमें जैकी का नाम भी लिखा था। जैकी को ढूंढने थे तुम? हाँ सर, दीपा से मुझे पता चला कि आकाश करोड़ों की डील करने वाला था और मैंने सोचा कि यहाँ पर आके डील के सारे पैसे लेकर भाग जाऊं। मतलब आकाश जैकी के साथ डील करने वाला था? हाँ सर, वो डांस करते करते मैंने जैकी के जेब से के रूम की चाबी निकाल ली थी, रूम में जाने ही वाली थी कि मैनेजर बीच में आ गए। अच्छा, रेडी पंकज, देखो जरा रूम में। सर सच में मैंने आकाश का खून नहीं किया। हाँ सर, पक्का आकाश के पार्टनर ने उसका खून किया होगा। सर, ये पैसों का नोट का बैग जैकी के रूम से मिला। इसे क्या हो गया? माय गॉड, क्या हुआ, क्या छुपा रही? कुछ नहीं। हाथ दिखाओ। कुछ नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पास थी वो अंगूठी, तुम हो आकाश की गुमनाम पार्टनर।
जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था तब ये निशान तुमने छुपाया हुआ था। जब आकाश की अंगूठी में मैं प्लूनियम लगा रही थी तब मुझ पर भी उसका असर हो गया था। मैंने एंटी रेडिएशन दवा ले ली थी लेकिन आकाश को पता चल गया था कि उसका साला गैर कानूनी धंधे में इन्वॉल्व था और वो उस ड्रग्स के धंधे में बहुत पैसे कमा रहा था। हमने कुछ गुंडों की मदद से रवि का ड्रग्स चुराने का प्लान बना लिया और तुम दोनों ने वो ड्रग्स वहां से भी गायब कर दिया। मुझे आकाश की जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया और आज इस पार्टी में जैकी के साथ डील करने वाली थी। हाँ, मिस्टर जैकी से डील कर दी और उन्हें बता दिया कि ड्रग्स बेसमेंट में मुझे बस उस रूम से पैसे निकालने थे लेकिन ये साक्षी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। प्लान अच्छा था लेकिन प्रिया जी कोई भी जुर्म कानून से बच नहीं सकता पर मिस्टर जैकी को भी हम लोग बहुत जल्द पकड़ लेंगे। उस अंगूठी ने सारी गड़बड़ कर दी। अगर विक्रम उस अंगूठी को नहीं चुराता तो आज मैं सारे पैसे लेकर कब कहीं देश छोड़कर जा चुकी होती। दो दो खून किए तुमने कानून तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।